दोस्तों हम आज की सबसे पहली जो परफॉर्मेंस यहाँ होने वाली है, जैसे पुष्पांटी ने आपको कहा, द फ्लूट सिस्टर्स. तो आइए मैं सबसे पहले स्टेज पे उन दोनों को बुलाना चाहूँगी, द फ्लूट सिस्टर्स, सुचिस्मिता एंड देवोप्रिया चैटर्जी. कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज. और आज उनका साथ दे रहे हैं तबला पे नन अदर देन काली जी के बेटे, दैट इज सत्यप्रकाश मिश्रा जी. ऑफकोर्स जैसे पुष्पा जी ने बताया, पखावज पे आज बैठेंगे कालीनाथ मिश्रा जी. आइए काली जी. फ्लूट सिस्टर्स के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं दोनों को पर्सनली जानती हूँ, बहुत ही गहरी दोस्ती है उनके बारे में. यहाँ पर एक पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो इंटरनेशनली नेशनली नोन हैं, बहुत सारे अवार्ड्स वो जीत चुकी हैं, कमा चुकी हैं, बहुत सारे फेस्टिवल, फिर वो सवई गंधर्व हो या कनाडा का कलिंगट फेस्टिवल हो, वो बहुत सारे फेस्टिवल्स में मेरू कॉन्सर्ट्स वगैरह में वो बजा चुकी है. ये सारी बातें बताना मुझे लगता है फिजूल होगा, नॉट बिकॉज कि मैं उनके बारे में नहीं बताना चाहती, बिकॉज ये स्टेज, ये फेस्टिवल में ग्रेस करने वाला हर आर्टिस्ट एक बहुत ही अपना अलग मकाम हासिल करके, एक अलग नाम हासिल करके आता है. लेकिन इनके बारे में मैं ज़रूर कहती हूँ कि जब कृष्ण ने गोकुल छोड़ा, जब वो ग्वाल के रूप में गोकुल छोड़ कर गए, तब वो 16 साल के थे. 16 साल में जब गोकुल छोड़ने के बाद वो आगे बढ़ रहे थे, तो पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे थे, द्वारकाधीश बनने की ओर बढ़ रहे थे. अपनी जो बांसुरी थी, जो ग्वाल की बांसुरी थी, वो अपनी प्रेमिका राधा के हाथ में देकर निकल गए. वो कहते हैं कि 16 साल की उम्र में गोकुल छोड़ने के बाद कान्हा ने कभी भी बांसुरी नहीं बजाई. वो बांसुरी जितनी भी बजी है, वो उसकी मूर्ति को समक्ष रख कर राधा ने बजाई है. तो उस राधा के रूप में हमारे पास आज ये फ्लूट सिस्टर्स मौजूद है, जो बहुत ही प्यार से आपके सामने राग मधुवंती पेश करने वाली हैं. इनकी तालीम, उनके गुरु के बारे में मैं सिर्फ कान पकड़ के ये कहूँगी कि उनके नाम में ही तालियां हैं, जिनका नाम है पंडित पद्म विभूषण हरिप्रसाद चौरसिया जी. इनको भी फ्लूट ने चुना है. उनके माता पिता रॉबिन और कृष्ण चैटर्जी आज आप ही के साथ ऑडियंस में बैठे हैं. वो दोनों ही म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही खूबसूरत सिंगर्स और कंपोज़र हैं, और बहुत ही अर्ली एज में उन्होंने ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि हमारी दोनों बेटियां जो है, उस ज़माने में जब कोई फ्लूट नहीं बजाती थी, इतनी फ्लूटिस्ट नहीं थी, मेरी दोनों बेटियाँ फ्लूट बजाएगी. और हरी जी के हाथ में इनका हाथ दे दिया. इनके बारे में मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बिकॉज हर आर्टिस्ट अपने साथ एक बहुत ही बड़ा बायोडाटा लेकर आता है. हर आर्टिस्ट अपने साथ बहुत ही सारा नाम, बहुत ही कमाया हुआ एक फेम लेकर आता है. लेकिन जब वो बजाता है, तब आपकी तालियाँ डिसाइड करती है कि वो आर्टिस्ट कहाँ है और किस तरीके से आगे बढ़ रहा है. तो आइए आपकी तालियों के साथ एक बार फिर से द फ्लूट सिस्टर्स. सभी उपस्थित श्रोतागणों को हम लोग का नमस्कार, प्रणाम. प्रणाम. भवंस कल्चरल सेंटर में बजाना अभी हम लोग के लिए भी ऐसा हो गया कि जैसे घर पे ही बजा रहे हैं, घर के आंगन में बजा रहे हैं. बट फिर भी हम लोग तहे दिल से पंडित कालीनाथ जी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. और काली जी हम लोग को कितने बचपन से देख रहे हैं अभी तो शायद हमको याद भी नहीं. और हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज पहली बार कालीनाथ जी के बेटे श्री सत्यप्रकाश जी हम लोग के साथ तबले पे संगत करेंगे. तो वी आर रियली हैप्पी, लुकिंग फॉरवर्ड. एंड ऑडियंस में इतने लोग उपस्थित हैं कि सब का अलग अलग से नाम लेना और इजाज़त लेना पॉसिबल नहीं है. बट आप सभी से आशीर्वाद लेते हुए, इजाज़त लेते हुए हम लोग राग मधुवंती से शुरुआत करेंगे, आलाप जोड़, और उसके बाद दो रचनाएं. थैंक यू.
Thank you.
Wow. Wow, a standing ovation. Thank you. Thank you, thank you. The uber talented, the elegantly beautiful, divinity inspired, the Flute Sisters, Suchismita and Debopriya Chatterjee. Thank you friends, aap please baith jaiye. And main ab request karne wali hu bade humbly ki Kuldeep ji jo bahut hi bade music director hai lekin hamare liye ek connoisseur of true art, ek art premi hai, wo please stage par aaye aur hamari Flute Sisters ko felicitate kare. Please come Kuldeep ji ke liye zordar taaliyan. Kuldeep Singh ji. दोस्तों जो भवंस के मेंबर्स हैं वो ये पूरी टीम को जानते हैं उनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कुलदीप जी हमारे भवंस फैमिली के परिवार के हिस्सा हैं हमारे परिवार का हिस्सा है आपका हिस्सा है भवंस का हिस्सा है और मैं हमेशा उनके लिए कहती हूँ कि बहुत बड़े दिग्गज म्यूज़िक डायरेक्टर हैं बड़े लोगों के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में की है लेकिन आज भी उनकी ह्यूमिलिटी से वो जाने जाते हैं एंड वी रियली लव कुलदीप जी. कुलदीप जी थैंक यू. मैं ये कहना चाहूँगी कि ये दो फायर ब्रांड्स यानी पखावज पे कालीनाथ मिश्रा जी पंडित कालीनाथ मिश्रा जी एंड सत्यप्रकाश जी बहुत खूब बहुत मज़ा आया. ये दोनों फायर ब्रांड्स के बीच हमारी फ्लूट सिस्टर्स ने बहुत खूबसूरत से परफॉर्म किया. ये दोनों ही ICCR के एम्पैनल्ड आर्टिस्ट हैं और देश विदेश में हमारी कंट्री को प्राउड करते हैं. सो थैंक यू वेरी मच टू द ब्यूटिफुली टैलेंटेड आर्टिस्ट्स. Thank you so much. Thank you. Kuldeep ji, thank you so much. We love you.